बचाएंगे? हम सर रोका जा रहा है क्या? रोका जा रहा है, रोका जा रहा है, खुली वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं सर। क्यों रोका जा रहा है, क्यों वापस जा रहे हैं? आप पुलिस से पूछिए भैया। सर क्या ये आप लोगों को जनता से दूर करने की कवायद नहीं है? धन्यवाद सर। जो दंगा हुआ है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो दंगा हुआ है मेरठ में, 5 मौतें हुई है सर। 5 मौतों पे तो कुछ कहना चाहेंगे? 5 मौत मेरठ में हुई है, आंदोलन 6 मर गए हैं जी। अच्छा, कानून व्यवस्था पे कुछ कहना चाहेंगे मैडम? ये बेइंतहा तानाशाहपूर्ण रवैया उत्तर प्रदेश सरकार का है दिखने रहा कि आप गोली भी मारेंगे और जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अगर हमारे नेता आना चाह रहे हैं तो उनको आने भी नहीं देंगे। जबरदस्ती रोका गया उनको, जबरदस्ती बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर उनको रोका गया प्रतापपुर में और वहां से उनको वापस किया गया और ये कहा गया कि हम 2 दिन के बाद आपको परमिशन दे देंगे। मैं सब लोगों से आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी का संदेश एक देना चाहता हूं कि ये लड़ाई हमारी लंबी चलेगी। सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम लोग दोबारा आएंगे और सारी चीज की रिपोर्ट, अभी हम एक एक चीज की रिपोर्ट राहुल जी को और हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी को देने का काम करेंगे। मैंने प्रियंका जी की बात टेलीफोन से करा भी दी है और उन्होंने कहा है कि दोबारा हम लोग फिर परसों तरसों को प्रयास करेंगे कि दोबारा आपके बीच में आ जाएं। इमरान भाई, योगी सरकार से कुछ इमदाद मांगेंगे, मदद मांगेंगे मरीजों के लिए? देखिए, योगी सरकार ने जो कुछ किया है, जो कुछ योगी सरकार ने किया है, उनसे मदद की उम्मीद तो उनसे करें जो मदद देने की सोच भी सकते हो। योगी हमारी पार्टी मदद करेगी, मदद के लिए हम लोग आ रहे हैं, हम मदद के लिए आ रहे हैं, हमारी पार्टी निकल रही है सड़क पर, हम ही लोग आ रहे हैं, हम ही लोग बात कर रहे हैं। और हम एक बात कहना चाहते हैं, हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, हम आज सिर्फ पीड़ित लोगों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करने आ रहे थे। बिजनौर गए थे, अब यहाँ आ रहे हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता तमाम जगहों पर जो पीड़ित परिवार है उनके। RBS भारत लाइव टीवी पर खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट दें।